अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6। इसमें हमने आज नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स करने हैं। अच्छा जी, तो कल आपको मैंने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और नॉन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या नॉन फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट या नॉन फार्माकोलॉजिकली इंग्रेडिएंट्स, डिफरेंट नाम है इनके, ठीक है। ये सारे कल मैंने आपको बताए थे। आपको पता चल गया कि हर मेडिसिन के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट हिस्सा होता है जिसने एक्शन परफॉर्म करना होता है, जिसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जो सा होता है जिसने मेडिसिनल एतबार से कोई काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद एक्टिव इंग्रेडिएंट को सपोर्ट करना होता है, ठीक है जी। तो ये कौन कौन से होते हैं कल हमने देख लिया था यहाँ पे। इनको एडिटिव्स और एक्सीपिएंट्स भी कहते हैं, एडिटिव्स और एक्सीपिएंट्स भी बोला जाता है। तो कल हमने देखा था कि एडिटिव्स और एक्सीपिएंट, इनके तीन काम कौन कौन से हैं। पहला पार्टिकुलर शेप देना, दूसरा स्टेबिलिटी लेके आना, तीसरा प्लेटेबिलिटी एंड एलिगेंस आपकी डोजेज फॉर्म को देना, ठीक है। आज हमने करना है जी पहला एडिटिव एक्सीपिएंट्स में व्हीकल। जर्नल आमतौर पर व्हीकल का मकसद क्या होता है, तो व्हीकल एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर हम अपनी मेडिसिनल एजेंट्स को डिजोल्व कर सकते हैं। डिजोल्व का मतलब होता है हल करना, सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड का मतलब होता है लटकाना आम लफ्जों के अंदर, लेकिन यहाँ पे सस्पेंशन से रिलेटेड है सस्पेंडेड। जैसे कि आप डिस्प्रीन की टैबलेट को पानी के अंदर रखते हो, तो डिस्प्रीन की टैबलेट थोड़ी सी देर में पूरे पानी में फैल जाती है, ठीक है। डिजोल्व इसको कहते हैं, सस्पेंड हो गया। और डिजोल्व होना क्या होता है, अगर कोई चीज पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। तो आपका व्हीकल एक ऐसा मीडियम है जिसपे आप मेडिसिनल एजेंट्स को या तो डिजोल्व करते हो या सस्पेंड करते हो। डिस्पर्स का मतलब होता है मुंशिर कर, ये है एक जर्नल टर्म। लेकिन अगर खास तौर पर आगे व्हीकल, ये लफ्ज है व्हीकल का बारे में आपको बता दी, लेकिन जब व्हीकल की बात करेंगे, जो यहाँ पे आपके पैराग्राफ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसको देखो। अगर आप व्हीकल कि आप लिक्विड, सेमी सॉलिड या सॉलिड कोई भी डोजेज फॉर्म बना रहे हो, अगर उसके अंदर लिक्विड को इस्तेमाल कर रहे हो मेडिसिनल एजेंट को डिजोल्व करने के लिए, उसको व्हीकल बोला जाता है। मेरी बात पहले फिर समझ लो कि जब भी आप किसी डोजेज फॉर्म में लिक्विड को इस्तेमाल करोगे, ठीक है, उसको व्हीकल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो व्हीकल यानी कि हम सिरप वगैरह बनाते हो, सिरप में हम लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, तो लिक्विड को हम व्हीकल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो वाटर, एरोमेटिक वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, ऑयल्स, ये सब एग्जाम्पल हैं व्हीकल की। तो व्हीकल की डेफिनेशन इस पूरे पैराग्राफ में आपने पहले व्हीकल की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। ये ऊपर ये वाली तो है व्हीकल्स क्या होते हैं, व्हीकल की डेफिनेशन क्या है। व्हीकल इज अ जनरल वर्ड मे बी यूज फॉर लिक्विड, ये लिक्विड्स के लिए लिया जाता है, सेमी सॉलिड के लिए और सॉलिड्स के लिए। व्हेन एंड लिक्विड इज यूज टू डिसॉल्व और सस्पेंड मेडिकमेंट, द लिक्विड इज कॉल्ड व्हीकल। समझ आइए, जब लिक्विड इस्तेमाल हो, जब आप कोई मेडिसिन तैयार कर रहे हो और उसमें सॉलिड या सेमी सॉलिड इस्तेमाल हो, तो उसको बेस कहा जाता है। अब यहाँ पे जरा गौर करना, आपने सिरप बनाना है तो सिरप में आपने क्या करना है, पानी लेना है, उसमें मेडिसिनल एजेंट को हल करना है, सब कुछ। तो इसमें मेन व्हीकल कौन है, वाटर। लेकिन अगर आपने
क्रीम बनानी है, तो क्रीम बनाने के लिए जो आपको ग्लिसरीन या वैसलीन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उसके अंदर आप मेडिसिनल एजेंट ऐड करोगे, उसके अंदर आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड करोगे, उसको सेमी सॉलिड कहा जाता है, ठीक है? तो वो बेस कहलाएगी। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा सपोजिटरीज का, ठीक है? सपोजिटरीज क्या होता है ये आगे जाके पढ़ेंगे, अगर जिसको नहीं पता तो वो आगे जाके हम देख लेंगे, अभी जिसको पता है वो समझ जाएगा कि सपोजिटरीज के अंदर, क्योंकि सपोजिटरीज सेमी सॉलिड होती हैं, इसलिए उनमें बेस इस्तेमाल होगी, ठीक है जी? तो ये बेस की एग्जांपल में क्या आएगा, बेस की एग्जांपल में ये आखिरी लाइन में देखो जी, सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीज वैक्स, ठीक है? ये सारे बेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो इससे क्या साबित हुआ, सिरप बनाना है तो उसमें व्हीकल इस्तेमाल होगा, और अगर आपने सॉलिड या सेमी सॉलिड कोई चीज तैयार कर रही है तो उसमें बेस इस्तेमाल होती है, ये याद रखना आपने। आगे चलो, डाइल्यूएंट्स, डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं? डाइल्यूएंट्स ऐसे मटेरियल्स जिनको बल्क इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, बल्क। अब बल्क क्या होता है, आपने सब बच्चों को मेडिसिन के बारे में या जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं इनके बारे में पता होगा, इन टैबलेट्स के ऊपर लिखा होता है बार दफा 5 मिलीग्राम, बार दफा 10 मिलीग्राम लिखा होता है, लेकिन 10 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम को अगर आप मैयर करते हो, ठीक है, वेट करते हो, तो वेट करके जो ये पाउडर बनेगा ना, 10 मिलीग्राम का आप पाउडर अगर वेट करो तो वो आपकी चुटकी में भी नहीं आएगा, आपकी यहाँ उंगलियों भी लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 10 मिलीग्राम पाउडर की फिर आप टैबलेट कैसे बना लेते हो? तो वो टैबलेट इसलिए बनाते हैं कि उस 10 मिलीग्राम के पाउडर को हम डाइल्यूएंट के साथ मिक्स करते हैं, डाइल्यूएंट का काम ही वेट बढ़ाना है, समझ आई है? तो इसलिए यहाँ पर लिखा टू इंक्रीज बल्क, बल्क को इंक्रीज करने के लिए बल्क। अब क्या हुआ, वो जो 10 मिलीग्राम है उसको जब डाइल्यूएंट के साथ मिलाया तो डाइल्यूएंट के साथ मिलके उसका वेट बढ़ गया, तो अब उसको हम आसानी के साथ टैबलेट की शक्ल दे सकते हैं, उसको आसानी के साथ हम पैक कर सकते हैं, उसको आसानी से हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये डाइल्यूएंट्स को बल्क इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा डिक्रीज दी कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पॉइंट को समझना, कंसेंट्रेशन को कैसे डिक्रीज करते हैं, आपके पास किसी डायलमेंट्स में मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके अगर दिखाऊं, कि आपके पास ये एक बीकर है, ठीक है जी? इसके अंदर जो सीरप है वो है 15 ml। मैं सिर्फ ऐसे ही एग्जांपल समझिए, आप इसको 50 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, 15 ml, ठीक है जी? अब 15 ml के हर 5 ml में, 5 ml में, ये मैं सिर्फ इस लाइन को समझाने के लिए इतना लंबा ये प्रोसेस कर रहा हूं मैं, इसलिए तवज्जो दे रही है आपने, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है? तो हर 5 ml के अंदर 100 मिलीग्राम टैबलेट मेडिसिन मौजूद है, 100 मिलीग्राम, समझ आ गई? अब आप गौर करो कि आपके पास एक बोतल है, उसमें 15 ml सिरप मौजूद है, उस सिरप के हर 5 ml में आपको 100 मिलीग्राम मेडिसिन मिलेगी। डॉक्टर आपको कहता है कि भाई आपने हर 5 ml में 50 मिलीग्राम टेबलेट ले मेडिसिन लेनी है, तब आप क्या करोगे? आपके पास एक ऑप्शन तो यही है कि आप 5 ml की बजाय 2.5 ml कर लो, 2.5 ml में ऑटोमेटिकली 500 मिलीग्राम आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है, तो डॉक्टर कहता है नहीं, इसको करना 5 ml ही है, समझे, लेकिन मेडिसिन की डोज कम करनी है,
तो आप क्या करोगे कि ये 15 ml है, इस 15 ml में आप मजीद 15 ml डाइलुएंट डाल दोगे। डाइलुएंट, डाइलुएंट का काम है सिर्फ बल्क इंक्रीज करना, मिकदार को बढ़ाना, बस इसका और कोई काम नहीं। जब ये दोनों मिला के हो गया 30 ml, अब हर 30 ml के हर 5 ml जब निकालोगे आप, तो आपको 50 mg की मेडिसिन मिलेगी। समझ आ गया? तो यहाँ पे इस पूरी लाइन को अगर आपको समझ आई है, तो ये लाइन आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान है। ये डाइलुएंट्स को डिक्रीज दी कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया? तो ये आपके साथ डाइलुएंट की बस इतनी डेफिनेशन करनी है, इसके बाद बीच में सारा कुछ छोड़ के एंड पे आ जाओ जी, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो डाइलुएंट्स की एग्जाम्पल क्या है? कॉलिन, लैक्टोज, स्टार्च, सोर्बिटोल, पाउडर सेलुलोज। कॉलिन एक कुदरती तौर पर मट्टी होती है, लैक्टोज, स्टार्च, ये प्लांट से निकलता है स्टार्च वगैरह, लैक्टोज, तो ये सब आप डाइलुएंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आगे चलो, डाइलुएंट्स हो गया, आगे चलो बाइंडर्स। अच्छा एक बात और, अगर आप ये चाहते हो कि ये इसमें से ना एमसीक्यूज भी बनते हैं, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मेरे ये पॉइंट्स मिक्स ना हो, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो ये कभी आपको भूलेगा नहीं। आप एक एक पेज लो, उस पेज के ऊपर ऐसे एक पेज है आपके पास, उसके ऊपर आपने इस तरह लाइन लगानी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो कोई भी, लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ ऐसे, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ इधर लिखना है डाइलुएंट, मैं डी लिख रहा हूँ, ठीक है? डाइलुएंट लिखने के बाद नीचे इसकी लिखोगे डेफिनेशन, डेफिनेशन, ठीक है, और नीचे एग्जाम्पल, बस ये पॉइंट लिखना है। इसी तरह साथ वाले में आ जाएगा बाइंडर, बाइंडर की डेफिनेशन, इसकी एग्जाम्पल, फिर इसी तरह आगे टैबलेट डिसइंटीग्रेंट, ये नाम आ जाएगा, उसकी डेफिनेशन और नीचे उसकी एग्जाम्पल, यानी एक चार्ट सा बन जाएगा। इस चार्ट का फायदा क्या होगा कि आगे जाके आप देखोगे कि एक अगर केमिकल डाइलुमेंट है, तो वो अगले स्टेप में जाओ तो वो बाइंडर का काम भी कर रहा है। अगर एक बाइंडर है, वो अगले स्टेप में जब देखेंगे वो डिसइंटीग्रेंट का काम भी कर रहा है। तो आपसे एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए, स्टार्च इज यूज एज अ बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, तो आप अगर चार्ट बनाया होगा तो आपके जहन में होगा कि ये स्टार्च या ये वाले केमिकल वाहिद केमिकल थे जो एक या एक से ज्यादा के अंदर कॉमन थे, तो आपको वो पहचानना आसान हो जाएगा, वरना ये चीजें मिक्स हो जाती हैं। जैसे कि अभी मैं आपको जब टॉपिक करवा रहा हूँ ना, तो आपको मजीद क्लियर कर देता हूँ। तो ये इस तरह चार्ट अगर आप एक कॉपी पे बना लोगे ना, तो ये वाला टॉपिक सिर्फ आप इस चार्ट को देखा करोगे तो आपको याद हो जाया करेगा, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी, ठीक है जी? तो यहाँ पे आप देखो बाइंडर का जिक्र, बाइंडर का मतलब होता है बाइंड करना। तो जब आपने कुछ टैबलेट वगैरह बनानी है, तो टैबलेट बनाने के लिए आपको मुख्तलिफ पाउडर की जरूरत पड़ती है, तो उन पाउडर के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने के लिए आपको बाइंडर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने आटा गूंदना है, तो आटे के जो पार्टिकल्स है ना, उसको आपस में चिपकने के लिए, जोड़ने के लिए आप पानी ऐड करते हो। इसी तरह जब आपने टैबलेट बनानी होती है, तो टैबलेट भी पाउडर फॉर्म के अंदर मटेरियल होते हैं टैबलेट के, और उनमें आपने बाइंडर्स ऐड करना होता है, जिनका काम होता है पार्टिकल्स को जोड़ना, एडहेशन, कॉज एडहेशन, एडहेशन का मतलब पार्टिकल का आपस में जुड़ना, ठीक है? तो पार्टिकल जब आपस में जुड़ेंगे और ग्रेन्यूलेशन, छोटे छोटे दाने बनेंगे, ठीक है? तो ये बाइंडर्स के तौर पर जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनमें है एकेशिया, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जेलाटिन और लिक्विड ग्लूकोज। समझ आ गई? ये हो गया आपका बाइंडर।
डिसइंटीग्रेंट्स, डिसइंटीग्रेंट का मतलब होता है टूटना तोड़ना, ठीक हो गया। तो टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स क्या है जी, प्रमोट टैबलेट ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्टिकल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तो टैबलेट को तोड़ने के लिए आपने डिस्प्रिन की टैबलेट पानी में ऐड की, वो अपने आप टूटती चली जाती है। आप CaC 1000 की टैबलेट ऐड करोगे पानी में, वो अपने आप घुलती चली जाएगी। वो इसीलिए घुलती है क्योंकि उनके अंदर डिसइंटीग्रेंट्स डाले होते हैं। आप पैनाडोल की टैबलेट हमेशा याद रखो, जब भी आपको दवाई खाने के लिए कहा जाता है तो यही कहा जाता है ना कि 1 गिलास पानी के साथ लो, 1 गिलास पानी के साथ लो। वो पानी इसीलिए लिया जाता है कि जब आप टैबलेट खाओगे तो टैबलेट उस पानी के अंदर डिसइंटीग्रेट यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगी। जब पार्टिकल में टूट जाएगी तो वो मेडिसिनल एजेंट तभी जोर पाऊंगे। अगर एक टैबलेट टूटेगी नहीं तो मेडिसिनल एजेंट को रिलीज नहीं करेगी और रिजल्ट नहीं देगी। तो वो ऐसे केमिकल जो टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स के तौर पे काम आ रहे हैं वो देखो, स्टार्च, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम अल्जिनेट और अल्जिनिक एसिड, ये केमिकल्स को ऐसे ही रट्टा मारना है आपने। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप टेबल बना लो। अब देखो आप, ये जो स्टार्च है ये ऊपर आपने डाइल्यूएंट को पढ़ा, उसमें ये स्टार्च डाइल्यूएंट्स के तौर पे काम कर रही है और यहाँ पे ये टैबलेट डिसइंटीग्रेंट के तौर पे भी काम कर रही है। फिर कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स के तौर पे भी काम कर रहा है और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज टैबलेट बाइंडर्स के तौर पे भी काम कर रहा है। तो ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप टैबलेट ये टेबल बना लो, ठीक है। सेकेंड लास्ट जो सा पॉइंट आता है वो है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट्स में देखो, आज का जो सेकेंड लास्ट पॉइंट मैंने हमने ग्लाइडेंस तक करना है आज, ठीक है। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन यानी कि ऐसी चीज जिससे आपकी चिपकने की ताकत को रोकना हो, ठीक है, उसको लुब्रिकेशन, जैसे कि फ्रिक्शन को कम करना। अगर आप टैबलेट बनाने की मशीन देखो ना, तो उसमें एक होती है डाई, ये गोल सी एक डाई है। अच्छा, डाई के ये डाई है, ठीक है, सांचा, डाई को सांचा भी बोलते हैं। इस डाई के अंदर आपने पाउडर को फिल कर देना, फिल करने के बाद इसके ऊपर होता है एक बड़ा सा पंच, ये पंच जोर से नीचे आके लगेगा और इस डाई के अंदर जो भी आपने पाउडर फिल किया होगा उसको प्रेस करेगा और वो पाउडर प्रेस होके एक टैबलेट की शक्ल तैयार कर लेगा, ठीक है। तो ये पंच और डाई, इसके अंदर आपको लुब्रिकेंट, एंटी ढेर, ढेर करना, ढेर का मतलब होता है चिपकना, एंटी ढेर जो चिपकने से रोके। तो इस डाई के अंदर अगर आप लुब्रिकेंट या एंटी ढेरेंट लगा दोगे पंच और डाई में, तो जो आपकी टैबलेट यहाँ पे बनेगी वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसका कुछ हिस्सा पंच के साथ चिपक जाएगा और कुछ हिस्सा डाई के साथ, और इस तरह आपकी टैबलेट ऐसा लगेगा जैसे टूटी हुई है, ठीक है। तो ये लुब्रिकेंट और एंटी ढेरेंट यूज करते हैं इस मकसद के लिए ताकि चीजें ना चिपके। तो इसमें मैग्नीशियम स्टीरेट और टैल्क, ये पाउडर जो आप इस्तेमाल करते हो ना, और टैल्क उसका जिक्र है, तो इनको आप एंटी डेरेट यूज करते हो। एंड पे देखो ग्लाइडेंट, ग्लाइडेंट अब आपके पास जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर सारा काम मशीनें कर रही होती हैं, यानी कि अगर आप देखो तो ये इस तरह ही करके एक नाली सी होगी, ये नाली में से पाउडर गुजर रहा है, पाउडर गुजर के आगे एक इस तरह का एक मशीन होगी, इसके अंदर ये पाउडर जाता है और ये मशीन उस पाउडर को मिक्स करती है। पाउडर मिक्स होने के बाद फिर ये मशीन आगे फिर एक नाली सी में सारे पाउडर को ऐड कर देती है, ये इस तरह करते करते आगे टैबलेट बनती है। तो ये सारा काम मशीन ने कर रही होती है। तो अगर आपने ग्लाइडेंट इस्तेमाल नहीं किए तो क्या होगा कि ये यहाँ से अगर पाउडर आ रही है, जहाँ पे मैं छोटे छोटे पार्टिकल बता रहा हूँ, तो पाउडर ने यहाँ से आना था, तो हुआ क्या कि किसी वजह से पाउडर जो था यहाँ पर चिपकना शुरू हो गया, और क्या होगा कि पाउडर ने आगे मूव करना बंद कर दिया और यहाँ पे आपका पाउडर इकट्ठा होकर नीचे गिरने लग जाएगा। अगर आप ग्लाइडेंट डालोगे तो पाउडर बड़े सुकून के साथ
इन नालियों में से गुजरता हुआ एक सेक्शन में जाएगा, वहां से फिर उसको मिक्सिंग वगैरह करके फिर दूसरे सेक्शन में, तो कहीं पे कोई ब्लॉकेज नहीं आएगी। तो इसका मतलब कि ग्लाइडेंट को हम आम तौर पर फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये देखो, यूज इन टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशन टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर मिक्सचर। तो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी, तो इसमें क्लाइडो सिलिका, कॉर्न स्टार्च और टैल्क। अब ये टैल्क आ गया ना, तो टैल्क लुब्रिकेंट भी है और ग्लाइडेंट्स में भी यूज होता है। तो ये आपका फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक हो गया, बाकी सरफेक्टेंट इंशाल्लाह कल करेंगे। यहां तक किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया वो पूछ ले। फ्लो प्रॉपर्टी के लिए ग्लाइडेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, चिपकने से बचाने के लिए लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल होते हैं। लुब्रिकेंट्स में से जो आपका कॉर्न स्टार्च है या एक दो, वो ग्लाइडेंट्स भी काम कर लेते हैं और लुब्रिकेशन का भी काम कर लेते हैं। ठीक है, डाइल्यूएंट्स बल्क को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल, जब आप आटा रोटी बना रहे होते हो ना, तो जिस चकने बेलने पे आप रोटी बनाते हो, उस चकने बेलने पे भी आप खुशक पाउडर लगाते हो, ठीक है, खुशक आटा लगाते हो। वो इसी वजह से लगाते हो कि आपका आटा उन दोनों के साथ ना चिपके। ठीक है, तो यहाँ पे लुब्रिकेशन का, लुब्रिकेंट्स का यही काम होता है। क्लियर हो गया? ठीक फार्माकोग्नोजी अल्कलाइड्स हमने खत्म कर लिए थे, आज हमने स्टार्ट करना है जी वोलाटाइल ऑयल। ऐसे ही है, ठीक है, आप में से कोई मुझे बताएगा कि वोलाटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, और वोलाटाइल ऑयल्स और फिक्स्ड ऑयल में क्या फर्क है? वोलेटाइल ऑयल जल्दी वेपरेट करते हैं और ये प्रॉपर्टी फिक्स्ड ऑयल में नहीं होती, फिक्स्ड ऑयल उड़ते नहीं है। जबरदस्त, क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा जवाब दिया। तो अभी आपको समझ आ गई होगी कि वोलेटाइल ऑयल ऐसे ऑयल होते हैं जिनकी विस्कोसिटी या गाढ़ापन कम होता है, इसलिए इनको अगर आप हाथ पे रखोगे तो ये उड़ जाएंगे, जबकि फिक्स्ड ऑयल इनकी विस्कोसिटी, गाढ़ापन ज्यादा होता है तो ये आसानी से नहीं उड़ते। एग्जाम्पल की बात करें तो आप जो इत्र वगैरह लगाते हो खुशबू वाले, ये वोलेटाइल ऑयल होते हैं, जबकि ये सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ये फिक्स्ड ऑयल है। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने आपको एक वैसे ही, क्योंकि आगे जाके हमने फिक्स्ड ऑयल भी पढ़ना है, तो मैंने अभी से आपको इसका एक डिफरेंस बता दिया। बाकी हम वोलेटाइल ऑयल की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं जो आपकी बुक में लिखी है। बाकी आपने सबने क्लियर कर दिया कि वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, तो ये वोलेटाइल ऑयल्स की डेफिनेशन बुक में सेम यही लिखी हुई है कि रैपिड वेपोरेटिंग ऑयल स्पेशली एन एसेंशियल ऑयल दैट डज नॉट लीव स्टेन। तो वोलेटाइल ऑयल्स को एसेंशियल ऑयल्स भी कहते हैं, एसेंशियल ऑयल जो वेपोरेट हो जाते हैं और डज नॉट लीव स्टेन,
अगर आप कपड़ों पर इत्र वगैरह लगाते हो तो ये कभी भी निशान नहीं डालते, ऐसे ही है, ये निशान नहीं डालते, इसलिए ये वोलाटाइल ऑयल्स हैं। ठीक है जी, तो ये पहली डेफिनेशन यही काफी है, नीचे वाली पेशा छोड़ दो। हमारा मेन मकसद डेफिनेशन नहीं है, हमारा मेन मकसद है ड्रग्स को करना। तो पहली दो ड्रग्स इस हवाले से हम देखते हैं। पहली ड्रग आ गई जी जानी पहचानी आप लोगों की, फेनल। फेनल यानी कि सौंफ। इस ड्रग का बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल सोर्स फेनिकुलम वल्गेर या वल्गैरी। ठीक है, फेनिकुलम वल्गैरी या वल्गेर भी बोल सकते हो आप इसको। तो फेनिकुलम वल्गैरी या फेनिकुलम वल्गैर बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली इसकी हो जाएगी अम्बली फैरी। अम्बली फैरी, फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, अम्बली फैरी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे, एनिथोल फेनकोन फ्लेंड्रीन चेविकोल। एनिथोन एनिथोल, ये दोबारा से मैं गौर से समझ लेना, ऐसे ही बोलना आपने, एनिथोल फेनकोन फिलंड्रीन चेविकोल। ठीक है जी, तो ये जो सौंफ है फेनिकुलम वल्गैर फ्लेवरिंग एजेंट के लिए इस्तेमाल होती है, कार्मिनेटिव, कार्बिनेटिव कहते हैं हाजमे के लिए, स्टोमा की भूख बढ़ाने के लिए, एक्सपेक्टोरेंट बलगम को बाहर निकालने के लिए, और स्टिमुलेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, यानी कि आपको इसकी स्मेल एकदम एक्टिव कर देगी। ठीक है जी, अगली ड्रग कारावे। कारावे जीरा, तो ये सौंफ की शक्ल का ही तकरीबन होता है, तो इसलिए फैमिली दोनों की सेम होगी, अम्बली फैरी। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है जीरे का? कैरम कारवी, कारम कार्वी। ठीक है जी, केमिकल कंस्टिट्यूएंट कार्बोन कार्वियोल लिमोनीन, लिमोनीन। मेडिसिनल यूजेस, फ्लेवरिंग एजेंट है, कार्बोनेटिव है, एक्सपेक्टोरेंट है, जो आप पहले सोप में पढ़ चुके हो वही एग्जैक्ट मेडिसिनल यूजेस है इसके। ठीक हो गया, तो ये आपकी आज की दो ड्रग्स हो गई खत्म। नेक्स्ट लेक्चर पे सर का होगा, कार्बोनेटिव कहते हैं हाजमे के लिए। क्या है मेडिसिनल यूज, फ्लेवरिंग एजेंट यानी मसाले आप हांडी में डालते हो सौंफ जायके के लिए, कार्बोनेटिव सौंफ हाजमे के लिए भी बड़ी अच्छी है, स्टोमा की भूख बढ़ाने के लिए भी बड़ी अच्छी है, एक्सपेक्टोरेंट बलगम वगैरह गला साफ करने के लिए, छाती को साफ करने, बलगम वगैरह को रिमूव करने के लिए बड़ी अच्छी है, स्टिमुलेंट यानी इसकी स्मेल आपको एक्टिव कर देती है, इसलिए इसको स्टिमुलेंट लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है सबको? ओके हो गया, ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं पे हो जाता है खत्म। इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।